खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बस मेट्रो में लड़की को छेड़ा तो हाथ पैर तुड़वाने को रहे तैयार। पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, रईसों ने पिस्तौल निकाल मार दी गोली। गाजियाबाद प्रशासन के दावों की खुली पोल, सरेआम उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। सुंदर भाटी को गोली मारने वाले आरोपी गिरफ्तार। आग की चपेट में आए चार घर, झुलस गए मासूम। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली की बसों और मेट्रो में सफर करने वाली सैकड़ों महिलाओं को रोजाना छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है, लेकिन अगर वह दिल्ली पुलिस से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पूरी कर ले तो कोई मनचला उन्हें छू भी नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, एक साथ अगर दो तीन युवक भी आ जाए तो यह प्रशिक्षण ले चुकी लड़कियां उन्हें मजा चखा सकती है। राजधानी नई दिल्ली में छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग जान लेने से भी नहीं डरते। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के इलाके का है, जहां बीमार भाई के लिए पानी लेने गए युवक की कार सवार युवकों ने पार्किंग विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से गाजियाबाद के एक इलाके में धुआं धुआं हो गया। एनजीटी के आदेशों का गाजियाबाद में जमकर उल्लंघन हो रहा है और यही वजह है कि गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके के प्रॉपर्टी कारोबारी के घर में घुसकर बाइक सवार लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इसमें से एक गोली कारोबारी के कंधे पर लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था। अब जाकर उसके आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र में आग लगने से एक ही परिवार के चार भाइयों के घर जलकर खाक हो गए। आग में झुलसने से एक ढाई साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और एक आठ साल के बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।